ओके सो स्पार्क प्लग्स जो है मैंने लगा लिए हैं और ये है NGK का लेजर रेडियम। मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्पार्क प्लग कौन से वाले बाइक में लगेगा, किसका कॉम्बिनेशन किस में लगेगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वीडियो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ ताकि इसमें जूमिंग इफेक्ट और फोकस जो है ज़्यादा बेटर मिले, इसके लिए मैं फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम गोइंग टू चेंज द स्पार्क प्लग ऑफ माय NS200 बजाज पल्सर NS200 एंड मैं इरिडियम स्पार्क प्लग से लगवा रहा हूँ ताकि जो मेरा माइलेज है वो थोड़ा 1-2 किलोमीटर एफिशिएंसी ज़्यादा दे, परफॉर्मेंस के लिए बेटर है। बिकॉज आप मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि इरिडियम स्पार्क प्लग लगाने से जो है मेरा टॉप स्पीड बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टॉप स्पीड वगैरह नहीं बढ़ता है। बेसिकली आपका जो ट्यूनिंग है, मतलब जो RPM का रिफाइनमेंट है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इंजन का जो कंबर्शन है, ऑयल एयर फ्यूल मिक्सचर का जो बेसिकली कंबर्शन होता है, वो थोड़ा ज़्यादा लीनियंट हो जाता है, ज़्यादा बेटर होता है। आप जब थ्रॉटल करते हो, आप जब लाइक 4-5 RPM आप जब एक्सेलरेट करते हो, तो आपका जो वो इंजन का जो रिस्पॉन्स है, जो ट्यून का जो रिस्पॉन्स है, रिफाइनमेंट, वो थोड़ा बढ़ जाता है। सो बेसिकली इसी के लिए लोग जो है स्पार्क प्लग ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाला लगवाते हैं। इरिडियम स्पार्क प्लग का खासियत ये होता है कि ये कंपनी कहती है कि 1,00,000 किलोमीटर तक चलता है, बट 1,00,000 किलोमीटर तक नहीं जाता है। अराउंड 60-70 भी चल जाए तो काफ़ी है, पैसा वसूल है। और इरिडियम स्पार्क प्लग का जो टिप होता है, ये बेसिकली इरिडियम स्पार्क प्लग है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 स्पार्क प्लग है जो कि इरिडियम का है। मुझे पता है यहाँ पे ऑपोजिट में आ रहा होगा, दिस इज, मैं आपको रियर कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा। एंड दिस इज द यू नो इरिडियम लेजर इरिडियम, ये BS6 रेडी वाला मॉडल है। सो बेसिकली 3 स्पार्क प्लग है NS200 में, 3 स्पार्क प्लग लगते हैं। एंड स्पार्क इरिडियम का ये खासियत होता है कि इसका जो टिप होता है, वो काफ़ी पतला होता है। यहाँ पे टिप आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको रियर कैमरे से दिखा दूँ, इसका टिप काफ़ी पतला होता है। तो इसका जो कंडक्टर है, हीट कंडक्टर, ज़्यादा बेटर रेसिस्ट कर सकता है। और अंदर में कॉपर ही होता है, बट बाहर का जो है वो इरिडियम होता है। सो अभी हम ये इरिडियम को लगवाएंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इरिडियम का कुछ क्लोज लुक, किसका टिप कैसा होता है दिखने में। और इसमें दो स्पार्क प्लग है, ये वाला और ये वाला, इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, इट्स CPR8EAIX-9। तो ये दोनों मॉडल सेम है, ये दोनों स्पार्क प्लग जो मेरे हाथ में है, ये दोनों एक ही लेंथ और डायमेंशन का है। और ये जो इरिडियम लेजर इरिडियम जो है, ये होता है मदर स्पार्क प्लग। मदर स्पार्क प्लग वो होता है जो सेंटर में लगता है, 200 NS का जो सेंटर में जो लगता है वो है। ये है, ये थोड़ा लंबा भी है, आप अगर कंपेरेटिवली आप इसका अगर देखोगे तो इसका जो लेंथ है ये इससे काफ़ी लंबा है, ठीक है, कंपेरिजनली। तो ये जो लंबा वाला है ये मदर स्पार्क प्लग है और इसमें ये मोटा सा कवर दिया हुआ है। सो इसका भी टिप काफ़ी पतला सा है। सो इट्स ऑल NGK का ही है एंड NGK इरिडियम स्पार्क प्लग। सो मैं आपको अभी टिप दिखाता हूँ कैसा है। सो अभी इसको लगाएंगे बाइक में और उसके बाद फिर इसका लगाने का जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। NS200 में जो मदर स्पार्क प्लग है वो खोलने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत भी आता है, उसका भी सोल्यूशन है, वो क्या सोल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा। और इसका कितना प्राइसिंग लगा वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द वीडियो के एंड पे। सो लेट्स नाउ फिक्स दिस ऑन माय मोटरसाइकिल। इसके लिए मैं एक मैकेनिक के पास जाऊंगा एंड वहां से मैं इसको लगवाऊंगा। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं इसका परफॉर्मेंस के बारे में, आपको रिव्यू वगैरह भी देता हूं। सो ये है NGK इरिडियम स्पार्क प्लग लेजर वाला, ठीक है, इसका ये जो है BS6 रेडी है एंड दिस इज द मॉडल नंबर, दिस इज LKAR8AI_9 और ये 9 mm का है, 336 है। ये मैंने LRL मोटर से मंगवाया है, तो इसका स्टोरी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन गो एंड वॉच। सो बेसिकली इसको हटा देते हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है। सो ये जो है ये वो LKAR वाला मॉडल है जो मदर स्पार्क प्लग है। ये हो गया राइट और लेफ्ट में लगने वाले दो स्पार्क प्लग है, ये दो स्पार्क प्लग है, ये दो राइट लेफ्ट में लगते हैं और ये मदर स्पार्क प्लग है जो कि सेंटर में लगता है। तो ये लंबा है और ये दो जो है एक ही लेंथ और डायमेंशन के हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका टिप, आप देख सकते हो इसका टिप कितना पतला है, ठीक है। और अगर मैं इसका बात करूं तो इसका भी आप देख सकते हैं इसका टिप कितना पतला है।
सो दरअसल माटीगरा रोड वहाँ से आए तो यहाँ पे है अकबर टू व्हीलर्स। सो यहाँ पे अभी इसका स्पार्क प्लग खोलना है। सो बेसिकली यहाँ पे एक स्पार्क प्लग होता है जो नॉर्मल है और वो है मदर। तो इसको खोलने के लिए जो अलग रेंज आता है उससे आपका सेंटर वाला नहीं खुलेगा। सो बेसिकली आपको आपके बाइक में जो स्पार्क प्लग खोलने का जो रेंज मिलता है उसी से आपको खोलना पड़ेगा। हाँ, तो इस ये जो बड़ा वाला है इससे खुलेगा सेंटर वाला और इससे सब खुलेगा। अगर वहाँ में जो रेंज सब रखा हुआ है वो सबसे अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। सो इसका आप कंडीशन देख सकते हो, टैप ठीक है, माइलेज सही दे रहा है इसका, बट ऑब्वियसली इरिडियम विल गिव मी मोर बेटर माइलेज। एनीवे अभी इसके अलावा फिर ये जो मदर है उसको भी खोलना है, इसको बाहर निकालना। ओके, उसके बाद जो आपकी गाड़ी पे जो रेंज है, हाँ जो गाड़ी में रेंज है वही रेंज से खुलेगा ना, इसको लगाना। इसको मिला देना है आस्ते आस्ते करके। सो ये है मेन मदर स्पार्क प्लग, इसका भी कंडीशन अच्छा है। अगर ये थोड़ा ब्राउनिश वाइट में है तो मतलब माइलेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो यस, अभी इस मदर स्पार्क प्लग की जगह पे जो ईडीएम का स्पार्क प्लग है वो लगाना है। दिस इज दी एनजीके, आप मॉडल नंबर देख सकते हो, LAR8 ये मदर है। ये अभी लगेगा ये वाले सेक्शन पे, और जो सपोर्टिंग स्पार्क प्लग है, हाँ ये जो मॉडल है ये लगेगा इसमें। लो भाई लगा दो। तो मेक श्योर कि आप जो है हमेशा अपना स्पार्क प्लग को थोड़ा अच्छे से टाइट करें, ओवर टाइट ना करें, उससे भी थ्रेड कटने का ज़्यादा डर रहता है। टाइट ऐसा करें कि हाँ उसका जो वॉशर है वो उसको अच्छे से लॉक कर पाए। हमने अच्छे से लगा दिया है उसका, वो प्लग लगा दें। लग गया ना ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, जो सपोर्टिंग स्पार्क प्लग है वो लगेगा अभी इसका लेफ्ट में। सो इस तरफ का हो चुका है मदर और ये दोनों लग चुका है, अभी राइट वाले का लगाना है। सो ये जो है ये राइट साइड का स्पार्क प्लग है। सो ये है कंडीशन, तो अभी इसमें हम रिप्लेस करेंगे बजाज का चैंपियन के साथ, इसको रिप्लेस करेंगे इसको साइड के। और आप देख सकते हैं यहाँ से कहाँ देखा
क्या मक्खन हो गया यार। तो मेरे को एक्सीट करके देखो है ना, वो आरपीएम जो उठ रहा है उसका फील ही नहीं हो रहा है, चलाने का वाइब्रेशन ही खत्म हो गया है। काश मैं YouTube के थ्रू कुछ इसका जो वाइब्रेशंस वगैरह काश मैं वो रिलेट कर पाता आपको थ्रू फ़ोन या कुछ अगर मैं फील करवा पाता तो ज़्यादा बेटर फील करता मैं, टू गिव द ऑनेस्ट रिव्यू। बट ट्रस्ट मी, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मुझे इतने साल से फॉलो कर रहे हैं, आई विल नेवर चीट देम, आई विल नेवर आस्क देम टू गो फॉर सम प्रोडक्ट विच इज़ नॉट वर्थ, सो काइंडली ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। ये जब मैं इसको जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, लिटरली देर इज़ नो वाइब्रेशन ऑन द हैंडल बार्स, वेरी लेस वाइब्रेशन ऑन दी फुट पैक्स, आरपीएम भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। इरिडियम का जो मैंने कंबशन लगाया है कॉम्बिनेशन में कि दो सपोर्टिंग है, एक जो मदर स्पार्क प्लग है, अमेजिंग, ट्रस्ट में चुम्मानी वाला फील है। मैं ये बोलूँगा कि जो रिफाइनमेंट लेवल है इंजन का, जो रिफाइनमेंट लेवल है इंजन का, वाइब्रेशन तो चलो एग्जैजरेटिंग टाइप का जो फील होता था टॉप स्पीड वो टोटली घट चुका है, एक जो रिफाइनमेंट लेवल है ना आरपीएम का वो एकदम टॉप नॉच हो चुका है, मतलब तो जितना बेस्ट कर सकता है वो है। और आपका टॉप स्पीड में थोड़ा कुछ अंतर आया है 1-2 किलोमीटर का, टॉप स्पीड के लिए अगर आपको ज़्यादा अंतर चाहिए तो उसके लिए तो आपको यार एयर फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा, लेट्स सी इन फ्यूचर आई विल गो फॉर केएनएन एयर फिल्टर, पर अभी के लिए मैं आपको ये फील करवाता हूँ, मतलब फील क्या, मैं बाइक चलाता हूँ आपको फील करवाता हूँ हाउ डज इट फील। सो पहले क्या था ना, जब मैं स्टॉक स्पार्क प्लस जब इसमें थे तो ये जब मैं 4-5 RPM में जो मैं चल रहा हूँ ना, बेसिकली हम लोग 4-5 RPM में चलते हैं, तो इसमें ना बहुत मतलब एक एग्जैजरेटिंग टाइप का फील होता था कि ऐसा लगता था कि इंजन पूरा भारी है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, वैसा टाइप का फील हो जाता है एक टाइम बाद। बट इसमें तो यार ना हाथ में कोई वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब ये 5-6 RPM में ना गाड़ी ऐसे उठ रहा है आपको फील भी नहीं होगा। कल रात को मैंने जब उसको गाड़ी को जब मैं टेस्ट किया, ये मैं दूसरे दिन चला रहा हूँ, मैं मतलब मैंने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चला के मैं आपको रिस्पांस दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अपना पैसा लगा के जब इस सामान को खरीदोगे तो आप लोगों को कोई फालतू चीज़ का मतलब वेस्टेज ना हो। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट रिलेटेड टू एनी ब्रांड, सो ऑब्वियसली मैं आपको वही दूंगा जो मैं फील कर रहा हूँ, राइट। बट ट्रस्ट मी गाइस, एनजी के लव इट, जस्ट लुक एट द रिस्पांस, आरपीएम एकदम ऐसे उठ रहा है, वेरी स्मूथ, वाइब्रेशन बहुत कम है, मतलब आप कम 90-95 पहुँच गए, बट मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है, इट्स वेरी स्मूथ। आई मस्ट रिकमेंड एनजीके का इरिडियम स्पार्क प्लग फॉर NS200, फॉर डोमिनार, फॉर ड्यूक 250, 200, ड्यूक 390, फॉर पल्सर 150, 180, NS160 एंड पल्सर 220, इन सब के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। वेल मैं आपको बता दूँ कौन सा स्पार्क प्लग किसके लिए लेना है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बाइक यहीं पे रोक लिया बिकॉज मेरे को यहाँ से राइट हैंड लेना है, मेरे को और लंबा नहीं जा रहा है। सो मैं आपको बता दूँ, ये जो NGK का जो लेज़र इरिडियम BS6 रेडी है, वैसे ये वोट देने का है एनीवे। सो इसमें इसका जो मॉडल नंबर है ना LKAR8AI9, इसका दाम है 336 रुपीस। ये जो लेज़र इरिडियम वाला जो मॉडल है ये आपका लगेगा सेंटर में, ये मदर स्पार्क प्लग होता है, ये आपका ड्यूक 200, 250, 390 इसमें लग जाएगा, जो कि सेंटर में लगता है, ड्यूक में एक लगता है, तो ये वाला मॉडल लगेगा आप LKAR8AI9 वाला जो मॉडल, ये लगेगा, ये मदर स्पार्क प्लग होता है, ये लगेगा NS का सेंटर में, ये लगेगा ड्यूक 200, 250, 390, डोमिना 400 में भी यही बीच में लगेगा। बाकी जो ब्लू कलर का जो पैकेट है जो अभी फोटो में आ रहा होगा, ये लगेगा आपका राइट और लेफ्ट हैंड साइड, दो लगेंगे। सो ये होगा सपोर्टिंग स्पार्क प्लग, इसका दाम अराउंड 720 के आसपास है, दी प्राइस में वेरी फ्रॉम वेर यूर परचेजिंग। सो यस, दिस इज़ हाउ यू नो लाइक यू कैन गो फॉर द ऑप्टिमम यू नो माइलेज। बेसिकली स्पार्क प्लग से आपको यही फ़ायदा होगा कि आपका जो माइलेज है वो थोड़ा बढ़ेगा, लाइक 2-3 किलोमीटर का बढ़ेगा, और आपका जो रिफाइनमेंट लेवल है इंजन का, जैसे स्टार्ट करते हो आपका इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, वो रिफाइनमेंट लेवल जो आपको एकदम टॉप नॉच मिलेगा,
वो रिफाइनमेंट लेवल आपको टॉप नॉच मिलेगा बिल्कुल भी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाएगा, मतलब आप एकदम हवा में रॉकेट की तरह भागोगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है बॉस। आपका इंजन का जो कैपेबिलिटी है उतना में ही रहेगा, बस कल आपका जो इंजन में वाइब्रेशन है उसका रिफाइनमेंट बहुत हद तक बढ़ जाएगा। लाइक आई एम राइडिंग, आई नो व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट चेंजेस आई हैव सीन। सो येस, दैट वॉज ऑल अबाउट द यू नो लेजर इरिडियम, जो कि सेंटर में लगा है मदर स्पार्क प्लग, और जो सपोर्टिंग है वो भी इरिडियम ही वाले हैं। सो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। सो 720, 720, 1440, और इसका दाम है 336। सो 1756 टू प्रिसाइज। अगर कोई वेबसाइट अगर आपसे अगर डिलीवरी चार्जेस पर ले रहे तो ऑब्वियसली आपको बेयर करना पड़ेगा, बट आई हैव गॉट इट फ्रॉम LRL मोटर्स, सो यू कैन गो एंड चेकआउट देयर वेबसाइट एंड यू कैन गेट इट फॉर NS 200 का वो पूरा कॉम्बिनेशन ही सेट ही वो लोग बेचते हैं, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर Amazon से अगर आपको कम में मिल रहा है कोई अलग वाला मॉडल तो वहाँ से ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो उसको फाइंड आउट करना, उसको सर्च करना, उसको खरीदना। सो येस गाइस, विद ऑल दैट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कोविड काफ़ी बढ़ रहा है बॉस, तो प्लीज़ सैनिटाइज योर सेल्फ ऑलवेज एंड वेयर मास्क। एंड विद ऑल दैट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डू प्रेस द लाइक बटन, यू कैन कमेंट डाउन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेंबर्स, जिनको यू नो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जो बाइक के शौकीन है, जो बाइक के कीड़े हैं, जिनको परफॉर्मेंस चाहिए होता है लॉन्ग राइड के लिए, सिटी राइड के लिए। ट्रस्ट मी, वाइब्रेशन नहीं है। विद ऑल दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे बहुत जल्द, बने रहे मेरे चैनल पे। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, गुड बाय।